पलवल में एक के बाद एक छह लोगों का कत्ल करने के बावजूद इस दौर का सबसे खौफनाक सीरियल किलर रुकने वाला नहीं था, और उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद उसका ससुर ही बनने वाला था। लेकिन इसे उसके ससुर की खुशकिस्मती कहें या फिर कुछ और, छह छह कत्ल करने के बाद उसे ढूंढती हुई पलवल पुलिस सोहना रोड में उसी जगह पर पहुंची जहां से वो अगले शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, और यही उसे दबोच लिया गया। लेकिन एक साइको किलर की यह गिरफ्तारी भी मामूली नहीं रही, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की वो अचानक हिंसक हो गया और उसने पुलिस वालों पर ही रॉड से हमला कर दिया। और तो और इस हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए, लेकिन चूंकि यहां सवाल एक साइको किलर को काबू करने का था, पुलिस ने जान पर खेल कर भी उसे गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस की माने तो पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि वो अपने ससुर धर्मपाल का कत्ल करना चाहता था और वही उसका सातवां शिकार होता। पुलिस के मुताबिक साइको किलर नरेश पलवल के ओमेक्स सिटी में रहता है, लेकिन उसके सनकी मिजाज होने की वजह से वो अपने घर वालों से दूर अकेले ही रहता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसने ये कत्ल क्यों किए ये अब भी एक राज बना है। पुलिस के मुताबिक इस सन की कातिल नरेश धनखड़ ने 2003 में फौज में लेफ्टिनेंट पद से मेडिकल वीआरएस ले लिया था और साल 2006 में हरियाणा के कृषि विभाग में एसडीओ की नौकरी ज्वाइन की थी। उसकी पोस्टिंग पहले पलवल में थी, फिलहाल भिवानी के कृषि विभाग में था और छुट्टी पर आया हुआ था। नरेश धनखड़ की शादी साल 2007 में हुई थी और उसे एक 8 साल का बेटा भी है। नरेश नाम के एक सनकी कातिल ने घूम घूम कर 6 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या की। हत्या करने का तरीका एक ही था, सबको रॉड से मार मार कर हत्या की, और ये जो हत्या करने का दायरा था वो महज लगभग 2 किलोमीटर था, यानी 2 किलोमीटर के भीतर उसने 6 हत्याओं को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस सनकी कातिल को पकड़ लिया। मारने का तरीका था क्या था और क्यों इसने इन लोगों को मारा? इन लोगों को मारने का कोई इरादा तो सामने अभी नहीं आ रहा था, बट तरीका वारदात तो एक ही है। इनका हाथ में एक लोहे के रॉड लेके तो ये वार किया था। सर सबके ऊपर, जितने भी मृतक हो गए थे इन सभी के ऊपर, सर के ऊपर काफ़ी गहरा चोट है और एक या दो वार किया था, ज़्यादा भी नहीं किया था, वो काफ़ी गहरा और काफ़ी घातक इन्होंने वार किया था। बताया जा रहा है कि कुछ सनकी भी था, मानसिक रूप से परेशान था, इस वजह से उसने शायद हत्या को अंजाम दिया है। हो भी सकता है, जितना अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया था उसके मुताबिक ये 2015 में एक वारदात भी किया था। हमारे पुलिस जवान के ऊपर इन्होंने हाथापाई किया था और उनका गाड़ी को तोड़फोड़ किया था, उस संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो वो अभी उस केस में वो जमानत पे है। और इसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो ये 2003 में फौज से रिटायर हो गया था मेडिकल बेसिस पे, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया।